नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। मार्टन सिंह ने पूरी दुनिया को सफेद शेर दिया। महाराजा पुष्पराज सिंह ने सफेद शेर की वापसी बिंद में कराई। विश्व धरोहर पखवाड़ा मनाते हुए कहा पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने। महाराजा मार्टन सिंह ने पूरी दुनिया को सफेद शेर दिया। महाराजा पुष्पराज सिंह ने सफेद शेर की बिंद में वापसी कराई। विश्व धरोहर पखवाड़ा मनाते हुए कहा पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने। पूरे देश दुनिया के साथ रीवा में भी मनाया गया विश्व धरोहर पखवाड़ा। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह, विधायक सिरमौर देवराज सिंह ने बिंद की ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने संवारने का निश्चय किया। रीवा की बात की जाए तो यहाँ का एक ऐतिहासिक महत्व है। विश्व के मानचित्र पर यहाँ के खान पान, रहन सहन, बोली के भी प्रचार प्रसार की बातें अब होने लगी है। विश्व के मानचित्र पर रीवा आज जाना जाता है सफेद शेरों की नगरी के रूप में, महाराजा मार्तंड सिंह सफारी के रूप में, सौर ऊर्जा के सबसे बड़े प्लांटों में से एक, निकट भविष्य में मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग के रूप में भी रीवा जाना जाएगा। विश्व के मानचित्र पर और भी बेहतर तरीके से उकेरने का प्रयास किया जाएगा बिंद को। अभी तक सफेद शेरों के लिए जाने जाने वाला बिंद निकट भविष्य में और भी बातों के लिए जाना जाएगा। हम बात कर रहे हैं आज विश्व धरोहर दिवस जो मनाया गया उसके पखवाड़े के चलते एक ऐसे आयोजन की, जहां पर साफ तरीके से बात की गई कि हम आपको नहीं, संस्कृति को सहेज कर आगे बढ़ेंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे हमारी भी एक खास तरीके की संस्कृति है। रीवा एक समय अपनी ही धरोहर को पाने के लिए संघर्ष कर रहा था, जिसे बाद में वापस लाया गया गोविंदगढ़ के पास मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी बनाकर। आज मुकुंदपुर सफारी दुनिया की इकलौती व्हाइट टाइगर सफारी है। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने साफ तौर से कहा, महाराजा मार्तंड सिंह ने पूरी दुनिया को सफेद शेर दिया। किसी वजह से रीवा से ही सफेद शेर विलुप्त हो गए थे, लेकिन उसकी वापसी के लिए महाराजा पुष्पराज सिंह लगातार प्रयासरत रहे। उन्हीं के प्रयास का नतीजा था आज हम सफेद शेरों को वापस लाने में कामयाब रहे। हम आपको बता दें, राजेंद्र शुक्ला जब वन मंत्री थे तभी उन्होंने आधारशिला रखी थी महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी की। महाराजा पुष्पराज सिंह ने उसकी वापसी कराने में हमारी बड़ी मदद की, साफ तौर से कहा राजेंद्र शुक्ला ने। सभी वक्ताओं ने इसी धारा को आगे बढ़ाने की बात कही, इसी धारा पर चलने की बात कही। अपने यहाँ की अनोखी अद्भुत छटा की तारीफ कर उन्हें सहेज के लिए प्रयत्न करने की बात आगे भी कही। आइए आपको सुनाते पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बोलते हुए क्या कुछ कहा। हमारा सफेद शेर सारी दुनिया में हमारे यहाँ नहीं है, इसका ये अलग जगह के किसी ने कुछ 40 सालों से रखा है, 30 सालों से उसका शेर दिया जाता है आदमी पूछता है। और लगातार बात खाते रहने से कभी ना कभी काम हो जाता है। तो महाराज मार्तंड सिंह जी ने यदि व्हाइट टाइगर को पकड़ने के बाद उसकी मीटिंग के माध्यम से उनके मंच को बढ़ाया और अमरीका और लंदन के शासकों ने हाथ जोड़ के निवेदन करके उनसे व्हाइट टाइगर के कष्ट लिए और उसको फिर उन्होंने अपने देशों में डेवलप किया। ये काम है सज्जन मार्तंड सिंह जी ने किया था, तो उसको वापस आना चाहिए इसकी अलग लगाने का काम। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।